का हो का भइल बा बाबूजी का बोललन तू का इतना सोचा ताड़ा ना माने संजय के एग्जाम के फीस के खातिर सोमवार तक 25,000 रुपया कैसे भी जमा करे के पड़ी यही से सोचा था का सोचा ताड़ा पैसा दे दे बा ना माने इतना सारा रुपया पापा भी तो अकेले उस सब के अलावा संजय के भविष्य के भी तो सवाल बा भविष्य और हमने के भविष्य की का हुई दिन रात तू सिर्फ मेहनत करा तारा इरावन के परिवार चलाए खातिर देखा तोहार भाई की जिम्मेदारी सिर्फ तोहार अकेले के नहीं खे जे लोग पैदा के ले बा लोग के सोचेदा हाँ लेकिन देखा गीता पापा अपन हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ करेलन और ओकरा अलावा भी कुछ दिन में पापा इतना पैसा का जोगाड़ कैसे करी हन एगो बात सुन ला तू अपन एकमात्र साली के शादी के बाद भूल मत जइया और वैसे भी तू इतना सब पैसा अभी दे देबा फिर तू सुष्मिता की शादी में का देबा इकर अलावा 5,000 से एक पैसा भी ज्यादा तू ना देवे सकबा लेकिन गीता हम कोनो बात ना सुनम कल ही हम सुनार के पास जाएं तू जरूरी ना चाहिबा नहियर में हमारा अपमान होके देखा आपन भलाई के बारे में भी सोचा ना तो बाद में पछताई के पड़ी इला तहार पान हाँ? माँ इखाम पकड़ा संजय के एग्जाम खातिर हमारे जितना हैसियत रहे हम उतना देता नहीं इमें कितना बा 5,000 इसे कहा हुई बाकी के 20,000 कहाँ से पाए कहे कल रात में जाता हर बात सुन के ऐसा लागल कि तू बाद बाकी पैसा कहीं और से जुगाड़ कर लेबा लेकिन यही से 20,000 रुपया हम सोच ले रहनी कि 5,000-6,000 रुपया कम हुई तो हम कहीं से माँ इकरा से ज्यादा देला पो हमें ज्यादा खुशी हुई अच्छा हम का नहीं चाहत कि हमारा छोटका भाई बढ़िया से एग्जाम देबो लेकिन इकरा से भी से हम 1 रुपया ना दे सके हमारा जानी देरी होता हम अबाव तक बाबूजी एगो बात बोली तरह से तू तो हर महीना हमरा के हाथ खर्चा देवेला वो तो बैंक में ही जमा रहेला सब मिला के कम से कम 1,000-2,000 होई वो छोटका भैया खाते ले लाना हाँ ये पागल लड़का के लेके हम का करी बोला तू अर्चना एक 2,000-4,000 के बाद बा ना ए चल हमार देरी होता चल अदन आवा का बात बा सुधाकर भैया आली साहब अभी तक ना आइलन ना उ तो ना बारन ना बड़न मतलब कहाँ गइल बड़न असल में कल रात के दिल्ली से फोन आइल रहे वही से आज भोरे दिल्ली निकल गइलन दिल्ली गइल बड़न लौटियन कब ई तो हमके मालूम नहीं खे बाकी हमके बुझाता 3-4 दिन तक लगे जाई तब तो बहुत बड़का मुश्किल हो गइल अब हम का करी तो फिर का हम हार जाए हमार सब सपना खत्म हो जाए अर्चना संजय अगर परीक्षा ना दे पाई तो फिर सबके सामने हमार सिर झुक जाए तू इतना चिंता मत करा भगवान के याद करा ठीक कोई उपाय निकल जाए हमके तो कुछ भी सूझत नहीं के
अली साहब अगर रहतन तो थोड़ा बहुत इंतजाम हो जात, लेकिन इतना चिंता काहे कर तरह, कुछ ना हो, भगवान के याद करा। रमा दीदी। हाँ, का बात बारचना, तू अभी हिया? हाँ रमा दीदी, हमरा के अभी 25,000 रुपया के दरकार बा। संजय के एग्जाम के फीस जमा देवे के बा। आली साहेब मने उनकर मालिक दिल्ली गेल बरन, उ जैसे ही अयन तहार पैसा वापस कर देम। अरे देखा तो, ए थोड़ा देर पहले ही हमार पास 30,000 रुपया रहे। हाँ, हमार पतो के भाई बोलत रहे जमीन की रजिस्ट्री खातिर ओके कुछ पैसा के जरूरत बा, हमसे मांगत रहे, यही से हम दे देनी। ईका, हम तारा पास बहुत आशा लेके आयल बानी रमा दीदी। तहार नसीबे खराब बा अर्चना, इश तनी पहले आवे से जायदा। अब तो ये सब बात सोच के कोनो लाभ नहीं है। हम एक काम करा तनी, अपन पतोह के बोला तनी कि वो अपन भाई से पैसा मांग के लिए आवे। ना ना, ये कैसे हो सकेला? अरे बाबा, कल तो रविवार बा, कल तो और जमीन के रजिस्ट्री ना हुई, उ लोग बाद में केहू और से सूद पे पैसा उधार ले ले, उ लोग के तो और पैसा के अभाव नहीं है। ना ना रमा दीदी, दुल्हन के बहुत दुख पहुँचे। ना 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 ना, हमार पतो ऐसे ना बिया, एकर अलावा ई संजय के भविष्य के बात बा, पतो समझी। ना फिर भी हमार भी तो बुद्धि ज्ञान बा, तू चिंता मत कर रमा दीदी, तोहर भाई ठीक पैसा जुगाड़ कर ली। हम जब चलो तनी, उ लोग के खाए के टाइम हो गेल बा। ठीक बा, आओ तनी। अच्छा माई, आजकल आपके हाथ पे जान नहीं खेका, हम का आपके आधा पेट खाना दे मिली। छी छी, ना तो बहु, ना तो तभी कपड़ा लता के ऐसा हालत का है बा, एक को साफ ना भइल हा, सिर्फ घर के सर्फ बर्बाद करनी। हम तो बहुत अच्छा से इस रहे दी, छत से उतार के सरिया के रख देवे से हो जाला, स्त्री करे ना होई, हमारे सामने रख के चलेनी। सुनी, आपका आजकल घर में मीटिंग सीटिंग बुलावा था नहीं? ना बहू, अर्चना मुसीबत में बड़ी, यही खातिर आइल रही। आपका सबके ठेका लेके रख ले बानी, जो नापके पास से आइल रही। सुन ली, हमार घर में बुढ़िया लोग के साथ बैठ के अड्डाबाजी एकदम ना चली, तीन टाइम के खाना और बैठ के अड्डाबाजी, ये सब छोड़ के आपके कोनो काम नहीं खे। बहू तू हमके खाए के लेके ताना दे तड़ू देव ना, आपके खातिर खाना जुटावे खातिर तो आपके बेटा के हाथ खिसता। ये तो कहा बोला तड़ू? आवाज नीचे करके बात करी, आजकल आपके बहुत हिम्मत बढ़ गई बा, के बढ़ावा था हिम्मत वो अर्चना। बहू बहू, तू का बुजुर्ग लोग के सम्मान करे ना सीख लू, ये अब आपसे सीखे के पड़ी। जाई जाई, अपन कमरा में जाके कपड़ा के अच्छा से इस्त्री करी तो एक पाते तो पहाड़ जैसन भात लेके खाए बैठ जाए। जाई भगवान, भगवान तो के हमारे ऊपर तरस ना आवेला, तू का अंधा हो गईला।